तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं आपके साथ डेटा फिल के बारे में। तो हमने प्रोटेक्शन के बारे में लास्ट क्लास में जाना था। प्रोटेक्शन के बाद हमारे पास एडिटिंग का पार्ट आता है, जिसमें आज हम ऑटो सम, फिल और क्लियर तीन ऑप्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ऑटो सम के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देते हैं आपके सामने, कुछ नंबर देते हैं। अब मान लीजिए इन नंबर, जो नंबर्स मैंने आपको दिए हैं, इन नंबर्स का मुझे टोटल सम चाहिए। तो जस्ट मैं यहाँ ऑल्ट इक्वल प्रेस करूंगा तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। आ गया, जस्ट ऑल्ट इक्वल, ये आपका ऑटो सम होता है। आप यहाँ भी क्लिक करके ला सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट सम आता है। अगर इसके अलावा कुछ और कैलकुलेशन चाहिए तो आप मैट्रिक एवरेज काउंट मैक्सिमम मिनिमम। अब सर इसका क्या है, इसलिए क्या है कि हम तो नॉर्मली लिखते हैं ना, इक्वल सम का फॉर्मूला लगा के लिखते हैं। तो ये इक्वल सम काउंट वगैरह लगाने का जगह पे वहां पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये टाइप हो जाता है, बस आपको एंटर प्रेस करना है। ओके, अब हम बात करते हैं फिल। फिल क्या है? अब जैसे हमने वन लिखा और टू लिखा यहाँ पे, और सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। ओके, वन एंड टू लिखा और नीचे की तरफ मैंने इसको ड्रैग कर दिया। कर दिया सर? लेकिन अगर इसी चीज को मुझे अपने ऑप्शन से करना हो तो कैसे करेंगे? तो उस केस में मैं यहां वन लिखूंगा और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, राइट? और इसके बाद फिल में जाऊंगा और यहां हम देंगे थ्री। थ्री में यहां आपका लीनियर, ओके लीनियर, और यहां पे टेप वैल्यू और यहां पे छोड़ दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये आपका वन टू थ्री आ जाएगा। अब क्या होता है फिर बताता हूं। जैसे आपको सीक्वेंस बनाना है और आपने एक एरिया को सिलेक्ट किया हुआ है, हमने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने यहां पे सीरीज में यहां पे स्टेप वैल्यू हमने टू दे दिया या वन दे देता हूं मैं यहां पे वन, और मैं बोलता हूं कि 20 तक बनाए, तो यहां पे ऑटोमेटिकली 20 तक का बना के देते, ठीक है। सीरीज में की और भी है कि अगर मैं यहां पे दो दे दिया और यहां पे ग्रोथ दे दिया तो क्या होगा? अब ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और यहाँ पे स्टेप वैल्यू डाल दूंगा तो वहीं तक जाएगा। अगर मैंने नहीं डाला, ओके किया, तो जितना कैलकुलेशन होगा उतना तक चल जाएगा। मतलब ये सब मल्टीप्लाई होते ही जाएगा। जी जी, ग्रोथ मतलब मल्टीप्लाई, ग्रोथ मतलब मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। ओके, विदाउट इसमें नहीं सर। उसके बाद लेकिन इसका यूज हम लोग ज्यादा करते हैं डेट पे। हमने डेट लिया और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, तो इसमें ऑप्शंस आते हैं आपके सीरीज में। सीरीज में ऑप्शन आया कि मुझे डे बाई चाहिए तो डे बाई जाएगा, मतलब कि जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया वीक डे तो ये आपका वीक डे के हिसाब से हल है। जैसे सैटरडे एंड संडे नहीं आएगा। इसी में अगर हम बात करते हैं सीरीज में, मैं यहाँ पे अगर हम मंथ कर दें तो मंथ के अकॉर्डिंग एक एक महीने का गैप आएगा। इधर सीरीज में अगर मैं यहाँ पे ईयर कर दूं, यहाँ एक एक साल का गैप आएगा।
यहाँ पे तो अगस्त ही शो कर रहा है, साल दिया ना मैं, फॉर्मेट ठीक है। एक बार मान का दीजिए कीजिए तो सर। हाँ, अगर मैं यहाँ पे सीरीज में आता हूँ और मंथ कर देता हूँ तो मंथ यहाँ पे मंथ कर दूंगा तो एक तारीख फिक्स रहेगा, मंथ चेंज हो जाएगा आपका। अच्छा ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं। अब इसमें सीरीज में आगे सीरीज में सेम हो गया। अब इसमें एक चीज और था, ये लेफ्ट राइट अप क्या था? जैसे हम लोग मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाता हूँ, कोई भी फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया, इसमें रैन बिटवीन का ही फॉर्मूला लगाया, ओके। और रैन बिटवीन में मैंने यहाँ पे दे दिया 10 से लेके 50, बस 50 दे दिया। अब मैं इसको पूरे एक एरिया को सेलेक्ट करता क्या? अब इसमें कंट्रोल डी कर दूंगा तो डाउन हो जाएगा, कंट्रोल आर कर दूंगा तो राइट हो जाएगा। कंट्रोल डी से डाउन एंड कंट्रोल आर से हमारा राइट हो जाएगा। तो क्या हुआ, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर, ये आपका फिल के अंदर में होता है, डाउन एंड राइट। अप और लेफ्ट के लिए शॉर्टकट नहीं कर सकते, एक कॉपी पेस्ट करने के बजाय आप इसका इस्तेमाल कर सकते। एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अक्रॉस वर्कशीट जो कि हाइलाइटेड नहीं, तो इसके बारे में भी आपको मैं समझाता हूं। तो अब जैसे कि हमारे पास जो इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, आपके सामने दिख रहा है, अब मैं यहां पे शिफ्ट के साथ मैंने ओवरऑल सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपका ये क्रॉस वर्कशीट हाईलाइट हो जाएगा। तो इसका यूज क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे एक छोटा सा मैंने यहां बनाया हुआ है डेट का, डेट और यहां पे आज का डेट डाल दिया और इन दोनों को सेलेक्ट किया और हमने यहां पे देता हूं और कंट्रोल के साथ हम आगे के लिए यहां पे शिफ्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, शिफ्ट के साथ पहले क्लिक करते हैं, शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले पे क्लिक करते हैं, ठीक है सर। और यहां हम यहां आते हैं इसमें होम पे ही सेल पे, अक्रॉस वर्कशीट अभी हाईलाइटेड नहीं है, ये हाईलाइटेड होना चाहिए था इसको। हाँ। क्योंकि आपने पहले से ही वो फिल कर दिया ना इसीलिए। हाँ ठीक है ना, अब हाईलाइट हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एरिया को और यहाँ हम करते हैं क्रॉस वर्कशीट, इसमें आपके साथ आता है ऑल, मतलब जैसा डेटा है वैसा आपको पिक करना है या कंटेन या सिर्फ फॉर्मेट करना है। मैंने ऑल पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि पूरा डेटा इसने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, समझे? जी हाँ जी। तो जितने सीट सिलेक्टेड होंगे हर सीट पे चला जाएगा आपका अक्रॉस पे। अगला ऑप्शन आता है जस्टिफाई। देखिए जस्टिफाई का यूज हम लोग 2016 तक बहुत करते थे। जैसे मेरे पास एक नाम है, नाम दिख गया, नाम की लिस्ट है, मुझे सारे नाम को एक ही सेल में इस तरह से कॉमा या स्पेस से सेपरेट करना है, तो इसके लिए कॉन्केटेनेट फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कॉन्केटेनेट फॉर्मूला पूरा एक रेंज को नहीं लेता है, कॉन्केटेनेट फॉर्मूला एक सिर्फ पास एक एरिया को लेता है, समझे? तो वहां पे हम क्या कर रहे थे उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम एक क्रॉस वर्कशीट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक पूरे एरिया को यहां से इस तरह से बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा की
इसको सिलेक्ट किया और यहीं पे आपके सामने हमारे यहाँ पे जस्टिफाई होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जस्टिफाई का मतलब ये नहीं होता है कि एक सेल में करना, उस सेल की कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग वो जितना आएगा उतना डालते, बाकी नीचे लाइन डालते, ठीक है। अगर आपने इसको बड़ा कर दिया फिर इसको जस्टिफाई करते हैं तो पूरा आता है। फिर वापस इसको नॉर्मल छोटा करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर इसको यहां से जस्टिफाई कर, जस्टिफाई समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। देखिए सिर्फ टेक्स्ट पे वर्क होता है, नंबर पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब हमारे पास कुछ नाम है, मुझे इसमें से फर्स्ट नाम और लास्ट नाम को हटाना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नाम को हटाना है तो क्या करें इसके लिए? नहीं नहीं इसके लिए हमारे पास जो है फ्लैश फिल है, यहाँ हमारे पास फ्लैश फिल है, पहले फ्लैश फिल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसमें हम लिखेंगे पूजा और यहां पे हम कर देते हैं स्लैश, यहां लिखते हैं कविता, कविता नहीं सिंह है, माफ कीजिए सिंह है ना, सिंह सिंह सेलेक्ट किया और इसको कर देते हैं हम स्लैश, हो गया। सर इसमें जैसे अगर हमारे पास मिडिल नेम है सर, तब भी इसी से हो जाएगा सर? देखिए हाँ हो जाएगा, लेकिन मिडिल नेम लास्ट नेम में थोड़ा सा दिक्कत होता है सर, सर कभी तो सर, हाँ फर्स्ट और लास्ट है, मिडिल नेम होने से प्रॉब्लम होगा क्या? हाँ प्रॉब्लम होगा तभी तो बोल रहा हूँ सर कि प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो फ्लैश फिल और भी है, जैसे कि हमने यहाँ पे डेट डाला हुआ, डेट मान लीजिए कि हमने यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर दिया, हमने मान लीजिए यहाँ पे कुछ डेट डाल दिया, ठीक है। मुझे इसमें से मंथ को अलग करना है तो यहाँ पे हमने जुलाई लिखा, एंटर मारा और फिर स्लैश फिल, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई, लो गया जुलाई, कंट्रोल ई सर, हाँ कंट्रोल ई। ऐसे मान लीजिए कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे और उसमें डेसिमल लगे हुए हैं, मुझे इसमें से सिर्फ डेसिमल्स को हटाना है तो 0.36 किया, एंटर मारा और फिर यहाँ पे स्लैश फिल कर, जो भी पार्ट लिखेंगे उसको स्लैश फिल उसको अलग कर देगा, ठीक है। स्लैश फिल के बाद हम बात करेंगे आपके साथ क्लियर का, जैसे हमने फॉर्मेटिंग लगा हुआ है तो कुछ लोगों को इसको हटाना है, मान लीजिए इसी को हटाना है तो क्या लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, बट डिलीट करने से क्या होगा, देखा पूरा का पूरा रो यहाँ घिसक गया, तो डिलीट करने से आपकी फॉर्मेटिंग बिगड़ सकती है, इससे लिंक फॉर्मूले में रेफरेंस का एरर आ सकता है, तो मुझे क्लियर ही करना है, हमारे पास क्लियर का ऑप्शन है, क्लियर ऑल पूरा सफा सेट हो जाएगा, क्लियर फॉर्म है जस्ट फॉर्मेटिंग क्लियर होगा, ठीक है, क्लियर कंटेन जस्ट कंटेन क्लियर होगा,
ठीक है, क्लियर, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्लियर होगा। यहाँ से आपको वो इंटरप्ट किया, मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हमारे पास जैसे टाइम का आता है आवर मिनट और सेकेंड, तो ऐसे कभी कभी एक फॉर्मेट आता है मेरे पास जहाँ पे डेट होता है और डेट के साथ साथ ये आवर मिनट और सेकेंड का भी वो आ जाता है। तो उस केस में मैं चाहता हूँ कि वो जो आवर मिनट और सेकेंड है वो अलग हो जाए और डेट उसी कॉलम पे रहे, तो वहाँ पे ये कर सकते हैं। देखिए पहले डेट और टाइम को समझिए क्या होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ नाउ का फॉर्मल लगाता हूँ, डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, अगर इसको जनरल फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर जो होता है वो डेट होता है, जो पॉइंट में होता है डेसिमल होता है और टाइम होता है, समझे। तो आपको इसमें सिर्फ डेट चाहिए तो एक सिंपल सा फॉर्मूला इंट का लगा दीजिए, आ गया इसे फॉर्मेटेबल है, हाँ इंट का डेट आ गया। अगर इसमें से टाइम चाहिए आपको तो सिंपल सा आप क्या करेंगे इसमें कि a माइनस इंट a, ये आपका टाइम अलग होगा। ऐसे तरीके तो बहुत है बट दिस इज सिंपल वे, क्योंकि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग है समझ में जल्दी आ जाएगा। सर ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरा क्या होता है जो मतलब हमारा एक वो है ना सर, जैसे वेव में जो अपलोड होता है सर्वर में, तो उस डेटा को जब हम डाउनलोड करते हैं तो ये वाला फॉर्मेट में आ जाता है। हाँ, तो इसके लिए आप जो है कस्टम फॉर्मेटिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट का, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे td/mm/yy जो फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट ले सकते हैं। टाइम के लिए इसमें सेम टेक्स्ट कॉमा hh आवर स्लैश mm स्लैश ओके थैंक यू। इसका आपके पास राशि जी, आपके पास कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, वो सर लास्ट में सॉर्टिंग का इसलिए मैंने आपको पहले वीडियो के लिए देखने के लिए दिया ताकि आप समझ ले कुछ चीजें जो बाकी क्लासेस में आएंगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं सेम टाइम।